this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेरी गुड इवनिंग वेलकम बैक टू आर चैनल फिन उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा आपको अपने लिए स्टॉक पिकिंग में मदद मिलेगी और अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में काफी मदद मिलेगी सबसे पहले जो स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो है विनेटी ऑर्गेनिक्स आज के लिए मैंने ये सारे स्टॉक्स आपको दिए थे एक एक करके मैं इनका रिव्यू दूंगा फिर आखिरी में मैं कल के लिए आपके लिए स्टॉक अच्छे होने वाले हैं उनको मैं बताऊंगा सबसे पहले विनेटी ऑर्गेनिक की बात में करूँ मैं स्टॉक जो है आज जो था स्टॉक जो थे सारे के सारे गैप ऑफ ओपन में थे गैप ऑफ ओपन होने के बाद इसने अपना गैप रिफिल किया गैप रिफिल होने के बाद इसने अपना जो था बाइंग प्राइस जो था इसका चौदह सौ आठ यानी कि फोर्टीन हंड्रेड एट पे हमें इसे बाय करके चलना था 1395 का हमारा एग्जैक्ट इसका स्टॉप लॉस था और मैंने हमेशा कहा है कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आपको स्टॉपलॉस नहीं लगाना है यहाँ पे आके आपको पता चला होगा कि मैं क्यों कहता था क्योंकि इस प्राइस पे होल्ड करने के बाद जो स्टॉक था वो बढ़ गया अगर आप स्टॉप लॉस हिट मार्केट ट्रेड से बाहर आ जाते तो आपको लॉस हो सकता था बट यहाँ पे देखिए आपने लॉस नहीं बना होगा क्योंकि मैंने कहा है अगर मैंने थर्टी हंड्रेड नाइन्टी फाइव का दिया है तो थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ से ये सीधा बड़ा और उसके बाद आपके बाई साइड के तीनों प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे गया ट्वेंटी टू थर्टी पॉइंट एक्स्ट्रा देकर चले गया तो इसमें अगर आपने ट्रेड किया होगा तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा अगला स्टॉक था हमारा मुथूट फाइनेंस जिसमें कि हमारा बाई साइड के दो यहाँ पे जाके और शॉर्ट सेलिंग साइड के एक टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गया था बाकी के दो स्टॉक्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए थे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा तो जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लेवल देते हैं उनमें से पहला था हमारा हेवल्स हेवल्स ने आज मूवमेंट नहीं दिखाई जैसे ये मूवमेंट दिखाता है पर फिर भी इसने जो था हमारा बाई साइड का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे आके अचीव कर लिया था गैप रिफिल करने के बाद और शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारा एस हिट हो गया था कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभार स्टॉक मूवमेंट नहीं दिखा पाता इसी के लिए मैं हमेशा पहला टारगेट प्राइस स्मॉल देता हूँ ताकि अगर स्टॉक मूवमेंट ना दिखाए तो भी आपका जो है फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाए अगला स्टॉक जो था हमारा ये तो काफी ज़्यादा ही गैप अप ओपन हुआ था इसने गैप अप गैप अपना रिफिल नहीं किया था ग्यारह बजे के अंदर अंदर इसने अपना गैप रिफिल नहीं किया तो इस स्टॉक को हमने छोड़ दिया चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे 400 हंड्रेड टू सेवन की रेंज में जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनकी हम बात कर लेते हैं टाटा केमिकल्स हमने आपको दिया था मॉर्निंग में तो इस ये जो स्टॉक था इसमें आपका बाई साइड का एक टारगेट प्राइस सॉरी दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके इजीली अचीव हो गए थे हमारे दो टारगेट प्राइस टाटा केमिकल में इजीली अचीव हो गए थे तो इसमें आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं कितना प्रॉफिट मैं हमेशा बोलता हूँ टेन टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव या फिर टेन टू ट्वेंटी फाइव मिनिमम आपको जो है हर स्टॉक से मिल ही जाते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं अडानी पोर्ट्स की मैं बात करूँ अडानी पोर्ट्स में हमारा स्टॉक जो था वो गैप अप ओपन हुआ उसके बाद ये अपना गैप रिफिल नहीं कर पाया गैप रिफिल न होने के कारण इस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं कर पाए अगला स्टॉक था हमारा जस्ट डाइल जस्ट डाइल ने एग्जैक्ट exact... हमारे बाइंग प्राइस के नीचे एक चार मिनट का होल्ड लिया यानी कि अप एंड डाउन किया उसके बाद हमारा जो बाइंग प्राइस था उसका लेवल ब्रेकआउट करने के बाद इसने आपको लगभग लगभग नाइन पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा दिया आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा आप, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं फोर तो टू सेवन की रेंज में स्टॉक्स पाने के लिए ये जो स्टॉक था वो पहले सेवन हंड्रेड रेंज में था अब ये जाके एट हंड्रेड रेंज में पहुंच गया है एक दिन में मूवमेंट दिखा के इसने कम से कम एट्टी टू नाइनटी पॉइंट्स आपको जाके दिए हैं क्रॉप ऑफ इंडिया इस स्टॉक में हमारा जो था शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस

800 से बड़े स्टॉक हैं उनमें आप 11 बजे तक वेट करेंगे और 800 से छोटे स्टॉक्स में आप खाली साढ़े दस बजे तक वेट करेंगे 10:30 तक उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा फिर दोबारा जब लेवल ब्रेकआउट करेगा तब आप उसे बाय और शॉर्ट सेल कर सकते हैं तो चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी फोर टू सेवन हंड्रेड रेंज में स्टॉक्स पाना चाहते हैं डेली आपको फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स इसमें मिल जाते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक में मिलेगा आप ज्वाइन जरूर जाएगा चलिए हम कल की कॉल की तरफ बढ़ते हैं चलिए सेकंड मार्च टू की कॉल्स की हम बात करेंगे सबसे पहला स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है वो है दलमिया है भारत जिसे आप बाय करके चलेंगे 1475.50 पे टारगेट रहेगा 1482 1494 और 1508 का ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट 1475 पे बाय नहीं करना है 1475.50 पे आप इसे बाय करेंगे और लॉस रहेगा फोटी का फोरटीन यानी कि फोर्टीन पे आप इसका मार्केट से बाहर आएंगे एक्जेक्ट इस वैल्यू पे अपना स्टॉपलसट नहीं मानेंगे रीजन मैंने आपको पीछे दिया है स्टॉप तो जो शॉर्ट सेलिंग करके चलेंगे इसे वो करेंगे आप फोटी हंड्रेड यानी कि 1457.50 पे, 1457 पे टारगेट रहेगा 1452, 1440, 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा 1473 का ध्यान रखेंगे ये सब लेवल्स को जब भी ब्रेकआउट होंगे तभी आपको एक्शन लेना है बाय का लेवल ब्रेकआउट होगा बाय करना है स्टॉप लॉस हिट होने के लिए स्टॉप लॉस का लेवल ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है ध्यान रखिएगा एक और चीज़ कि अगर एक बार आप ट्रेड में एंटर हो चुके हैं तो सिर्फ या तो फर्स्ट टारगेट प्राइस पर या फिर स्टॉप लॉस हिट होने पर ट्रेड से बाहर आएंगे उससे पहले बाहर नहीं आएंगे चाहे ट्रेड लंबी खींच जाए होल्ड करना पड़े आपको होल्ड जरूर कीजिएगा क्योंकि ट्रेड में एक बार एंटर हो गए तो कुछ ना कुछ सीख के या तो सीख के आए या तो प्रॉफिट कमा के आए दोनों में से एक चीज करके आए बीच हुए ट्रेड को मत छोड़ें और जो पहला टारगेट प्राइस आपका अचीव हो जाए उसी समय अपना स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट कर दे फर्स्ट टारगेट प्राइस पर ताकि अगर स्टॉक जो है गलती से नीचे गिर जाए तो भी आपको जो है आपने ज्वाइन किया है वो आपसे जाए ना लेवल्स मैंने आपको बता दिए एक चीज़ और मैं बता दूं जैसा कि मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था टेन टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स आपको डेली के मिल जाते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस मिला के डेली के मिल जाते हैं आपको जो लेवल्स में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करता हूँ उनमें तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि बाकी बच्चे भी दो कॉल्स पर टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा एल एन टी हमारा अगला स्टॉक है जो कि आप बाय कर चलेंगे 1477 हंड्रेड सेवेंटी सेवन का लेवल ब्रेकआउट होने पे टारगेट रहेगा फोर्टीन हंड्रेड फोर हंड्रेड टू और फिफ्टीन हंड्रेड का आखिरी टारगेट पाए जिसका प्लस रहेगा 1465 हंड्रेड का रूल सबके लिए सेम है जो मैं आपको स्टॉक्स व्हाट्सएप पे दूंगा या टेलीग्राम पे दूंगा उनके लिए भी यही रूल है बाकी गैप अप गैप डाउन का रूल थोड़ा सा अलग है टेन थर्टी तक जो एट हंड्रेड से नीचे के स्टॉक है वो अपना गैप रिफिल कर लें तो ज़्यादा बेटर है वरना उस तो स्टॉक को छोड़ दीजिए और इलेवन एम तक एट हंड्रेड से बड़े जो स्टॉक है वो अपना गैप रिफिल कर दे तो बेटर है वरना ना उस तो स्टॉकस को आप छोड़ दें पहली बार में टारगेट अचीव होता है दूसरी बार आपको कॉल नहीं लेंगे पहली बार में टारगेट अचीव नहीं होता है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दूसरी बार लेवल ब्रेकआउट करते हैं तो आप उस कॉल को ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग का आपका लेवल रहेगा फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी थ्री टारगेट रहेगा फोटी हंड्रेड फिफ्टी एट फोटी हंड्रेड फोर्टी एट और फोटीन हंड्रेड एट्टी फाइव का स्टॉप लॉस रहेगा आपका फोर्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव का है। अब ज्यादा कुछ मुझे इसमें समझाने की जरूरत नहीं है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ज्वाइन जरूर हो जाएगा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो में पास आज इतना ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तब तक ले वाले